हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम काम स्टार्ट करने लगे हैं एक नए ट्रैक्टर पे, ठीक है, जिसमें जो है काफ़ी पावरफुल गियरबॉक्स हमने यूज़ करना है, ये चार मोटर्स लगा के, ठीक है। इन चार मोटर्स को जॉइंट करके एक गियरबॉक्स बनाएंगे और काफ़ी हाई स्पीड वाला एक ट्रैक्टर बनेगा। और इसको बनाने में कौन कौन से गियर यूज़ करेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले तो हम यूज़ कर रहे हैं ये चार ड्रोन मोटर्स। इसकी अनबॉक्सिंग हमने कल वाली वीडियो में की थी, वहीं पे आपको इसका बाय लिंक भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। गियर बॉक्स बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। नंबर वन पे चार मोटर्स होगी, ठीक है। उसके बाद जो बारी आती है गियर्स की। ये गियर बॉक्स बनाने में हम मेटल गियर यूज़ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्हीं में से कुछ गियर जो है हम यूज़ करेंगे, जैसे कि दो गियर ये वाले लगेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इन दो गियर से ही हमें काम है, तो इसको बंद कर देते हैं। और ये गियर कहाँ से मिलेंगे आपको, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले गियर जो है इस मोटर से निकाले हैं मैंने, ठीक है। ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगी मोटर। इस मोटर के बीच में टोटल चार गियर होते हैं, टोटल चार गियर होते हैं। और कौन कौन से गियर हैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक ये वाला गियर होता है और उसके अलावा एक ये वाला गियर होता है, ठीक है। ये टोटल चार गियर निकलते हैं इस मोटर में से। वैसे इसकी अनबॉक्सिंग की अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो चेक कर लेना, ठीक है। और उसी वीडियो में इसका बाय लिंक भी मिल जाएगा। इस मोटर का बाय लिंक उस वीडियो में मैंने दिया हुआ है, आप वो चेक कर लेना वीडियो, और वहीं से जो आप ये मोटर बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चार गियर आते हैं, लेकिन अभी हमको जो है ये फर्स्ट गियर की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दो गियर मैंने निकाल लिए हैं। उसी के साथ हमें चार छोटे गियर भी चाहिए जो हम इन मोटर्स पे फिट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटे गियर हैं, वो भी इसी मोटर में से निकलेंगे। इसमें जो ये वाली आप मोटर देख रहे हैं, इसके फ्रंट पे, इसकी शाफ्ट पे वो गियर लगे होते हैं, तो वो गियर यहाँ पर पड़े हुए हैं मेरे पास। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे गियर हैं ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। टोटल चार गियर चाहिए हमको, क्योंकि चार मोटर्स यूज़ कर रहे हैं हम। वैसे इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में, आप वो वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो गियर है इनको फिट करेंगे इन मोटर्स पे, ठीक है। थोड़े से टाइट हैं ये, जो कि होने भी चाहिए, अगर ज़्यादा लूज होंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे गियर। तो इन गियर्स को आप ऊपर से प्रेस करके, ठीक है, आराम से फिट कर सकते हैं। इस तरह से ये फिट हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले तो ये गियर्स फिट करते हैं मोटर्स पे। दोस्तों, मोटर के ऊपर जो है गियर प्रॉपर फिट हो चुके हैं, तो अभी हम काम करते हैं इन गियर्स पे, ठीक है। तो ये जो दो गियर हैं इनके लिए हम यूज़ करेंगे ये 2 mm की रॉड, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी साइकिल के चक्के में से, ठीक है। साइकिल के चक्के में इस तरह की रोड यूज़ होती है। अगर आपको कहीं से नहीं मिलती तो आप साइकिल के चक्के से निकाल सकते हैं, या फिर साइकिल वाली शॉप से आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये 2 mm की भी मिलती है, 3 mm की भी मिलती है, तो इसको यूज़ करेंगे हम। वैसे तो ये वाली शाफ्ट है जो, वो बहुत ही हाई RPM पे घूमने वाली है, तो इसके लिए बैरिंग चाहिए हमको। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हमारे पास बैरिंग नहीं है, और मैंने अमेज़ोन पर भी चेक किया है, तो जिस साइज़ का मेरे को बैरिंग चाहिए वो बैरिंग अमेज़ोन पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे ये एक ट्यूब, ठीक है। ये बिल्कुल खाली ट्यूब है, और इसके बीच में ये जो शाफ्ट है ये घूमेगी। और ये ट्यूब आपको कहाँ से मिलेगी वो भी आपको बता देता हूँ। ये एक रेडियो का एंटीना है, जो ऐसे खुल जाता है और ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। इसमें जो ये सेकेंड नंबर वाली जो पाइप है ना, ये यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने इस एंटीने से निकाली है, ये आपको रेडियो वाली शॉप पे मिल जाएगा आसानी से। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला कवर, ठीक है, जिसमें ये मोटर जो है फिट होगी और प्रॉपर गियर बॉक्स इसका बनेगा, ठीक है। ये कवर मैंने 3D प्रिंट किया है हमारे प्रिंटर से। पहले पूरा डिज़ाइन किया, उसके बाद जो है 3D प्रिंट किया, ठीक है। तो ये जो चार मोटर्स हैं इनमें से दो की जोड़ी में लगेंगी ये मोटर्स। दो मोटर्स यहाँ पर लगेंगी, दो मोटर यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। इस तरीके से लगेंगी दो मोटर्स। और ये जो गियर है, गियर प्लस ये शाफ्ट है जो, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं पहले ही कि किस तरह से फिट होगा। इस शाफ्ट में इस तरह से ये जो गियर है
वो अटैच हो जाएंगे और उसके बाद जो है ये शाफ्ट ऐसे इसमें लग जाएगी। सेंटर में ये दो गियर होंगे और उसके बाद जो है दोनों साइड पे दो मोटर्स लग जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको लगाते हैं। ये जो गियर हैं इनको भी इस शाफ्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा ताकि ये ऐसे अलग से ना घूमे फ्रीली। ठीक है, तो उसके लिए वैसे तो दो काम कर सकते हैं हम। पहला, इस गियर में आर पार मोरा करके ड्रिल से और उसमें छोटी सी पिन डाल दें। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये वाली रोड जो है ये पहले ही बहुत ही पतली है, अगर इसमें हम ड्रिल करेंगे तो जो रोड है वो कमज़ोर हो जाएगी, तो ये काम नहीं करते हम। इसमें जो है सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर देंगे इस गियर को। ठीक है, इस गियर को शाफ्ट के साथ परमानेंट वेल्ड कर देंगे तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, न्यू हॉलैंड के गियर बॉक्स में मोटर्स फिट हो चुकी हैं, आपको मैंने चला के दिखा दिया। ये जो इसकी फ्रंट वाली शाफ्ट है इसमें थोड़ी सी प्ले है, वो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जो गियर बॉक्स है ये हाफ रेडी हुआ है, इसके आगे अभी और गियर्स लगेंगे और उसके बाद जो है इसमें टायर फिट होगा। ठीक है, ये तो अभी ट्रैक्टर की शुरुआत है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रैक्टर का वो रेडी हो चुका है। ठीक है, हाफ जो गियर बॉक्स है वो रेडी हो चुका है, तो आगे इसके काम हम करेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे डेली के डेली मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जितना भी काम होगा हमारे न्यू हॉलैंड पर। फिलहाल आज के लिए हमने ट्रैक्टर पे इतना ही काम करना था। जो हमारा अर्जुन ट्रैक्टर है उस पर आज बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, जो कल हमने कंप्लीट किया था वहीं पे रुका हुआ है काम। ठीक है, ये ट्रैक्टर बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, बस अब जो है इसमें टायर डालने हैं हमने, तो टायर अभी प्रिंट नहीं हुए, नए टायर जो है इसके लिए प्रिंट करेंगे। देखते हैं, अगर तो मेरे पास पड़े हुए टायर तो वो यूज़ कर लेंगे, अगर इस साइज़ के टायर नहीं हुए जो साइज़ हमने इसमें डालना है तो फिर हमें टायर प्रिंट करने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, अगर हमने टायर प्रिंट किए तो वो भी पता चल जाएगा, अगर पुराने टायर डाले तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ नेक्स्ट अपडेट, हमारे कबोटा ट्रैक्टर जो है 4x4 हमने बनाना है, उसका गियर बॉक्स जो है ये देखिए इतना रेडी हो चुका है, ये जो है फाइनल है, इसके बाद जो है इसमें मोटर लगेगी। ठीक है, इसमें भी हमने जो है डबल मोटर लगानी है, ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने अर्जुन में डबल मोटर लगाई थी वैसे ही सेम इसमें भी डबल मोटर लगा रहे हैं, क्योंकि इसे 4x4 बनाना है तो इसमें भी हमें पूरी पावर चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे, अगर दो मोटर से काम चलता हुआ अच्छी बात है, अगर और ज़्यादा पावर की ज़रूरत हुई तो हम इसमें तीसरी मोटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्ट मैंने प्रिंट किया है इसका डिज़ाइन तो काफ़ी सही था, लेकिन अभी जो है प्रॉब्लम आ रही है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा गैप है, आप देख सकते हैं, ये जो गियर है इनको इस गरारी के साथ लगाना है लेकिन ये बहुत ही ऊपर रह जाता है, ये देखो, तो इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे अब मेरे को, तो इस पर भी काम होगा। तो यही थे मेन आज के अपडेट, और उसी के साथ ये जो हमारा न्यू हॉलैंड का ड्राइवर है ये देखिए इसकी लुक। आज की हमारी ये जो वीडियो है यहीं तक थी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तो कल देखते हैं कितना काम होता है हमारे ट्रैक्टर्स पे। ठीक है।